नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो बहुत ही आसान है। इसे मैंने रात की बची हुई सब्जी से बनाया है, तो ये एक तरह का पराठा है। अक्सर हम रात की बची हुई सब्जी को फ्रिज में रख देते हैं और दूसरे दिन उसे गर्म करके रोटी के साथ खाते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं किया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये रात की आलू की सब्जी है जो मैंने रात को बनाई थी और ये बच गई थी, इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो हम आज इसी आलू की सब्जी के पराठे बनाने वाले हैं। उसी के साथ नमक लिया है, एक छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर, एक बड़ी कटोरी गेहूं का आटा, 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन, आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच अजवाइन। और ये मिर्ची का अचार है। मिर्ची का अचार का मैंने मसाला लिया है, आप चाहे तो आम के अचार का मसाला भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आधा ग्लास पानी लिया है, तो हम इसमें जरूरत अनुसार पानी डालेंगे क्योंकि हमारी जो सब्जी है उसमें भी पानी है। अब एक बड़े से बर्तन में हमें आटा लेना है और उसमें ये बेसन डाल देना है। इसके बाद इसमें जीरा डाले और जो अजवाइन है उसे हमें हाथ में लेके इस तरह से मसल के डालना है, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आमचूर पाउडर डालेंगे और फिर धनिया पाउडर, और ये लाल मिर्च पाउडर है, तो आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम जो सब्जी बनाते हैं उसमें भी हमने मिर्च डाली है। स्वादानुसार नमक डाले और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब हम इसमें ये जो आलू की सब्जी है वो डालेंगे। सबसे पहले हमें सब्जी को आटे के साथ अच्छे से मिक्स करना है। इसमें जो आलू के बड़े बड़े पीस है उसे भी अच्छी तरह से मैश कर ले। अगर सब्जी में पानी ज्यादा है और हमारा आटा गीला ही रहता है तो हम इस आटे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, इसे अच्छे से गूंदना है, बिना पानी के ही इसे अच्छे से गूंद ले। तो आप देख सकते हैं इसमें हमें आटे की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा गूंदेंगे। हम इसमें धनिया डालेंगे। इंग्रेडिएंट्स में मैंने आपको धनिया नहीं बताया था, लेकिन बिना धनिया के पराठे इतने स्वादिष्ट नहीं बनते हैं। तो हम इसमें और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है। तो ये आटा गूंद के तैयार है, हम इसे 5 मिनट्स के लिए ढक के रखेंगे। तो ये आटा गूंदने के लिए मैंने पानी का इस्तेमाल सिर्फ 4 से 5 चम्मच किया होगा, ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। पराठे बनाएंगे, तो पराठे बनाने के लिए ये देखिए मैंने यहाँ पे अचार भी लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लिया है। अब हम आटे की एक लोई लेंगे और इसे इस तरह से गोल गोल करना है हाथों पे ही, और हम इसे थोड़ा सा आटे से डस्ट करके इसकी रोटी बनाएंगे। जरूरत अनुसार आप इस पे सूखा आटा लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी मैंने थोड़ी सी बड़ी रोटी बनाई है। अब हम इस पे ये जो अचार है वो स्प्रेड करेंगे। तो अच्छी तरह से हमें इस पे अचार स्प्रेड करना है, जिससे कि हमारे पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से हमें इसे फोल्ड करके सेमी सर्कल बना लेना है। सेकेंड फोल्ड जो है इस तरह से करके इसको ट्रायंगल शेप देना है। अब हमें इसकी जो खुली हुई साइड है उसे बंद करना है, तो इस तरह से हम इसे बंद कर लेंगे और इसे फिर से सूखे आटे में लगा के इसकी रोटी बनाए लेंगे। तो ये देखिए, इसे हमने ट्रायंगल शेप में बेल लिया है। अब हम इसे सेकेंगे। तवे पे हमें थोड़ा सा घी लगाना है और इस घी के ऊपर पराठे को डालेंगे। अब हम इसे पलट देंगे, 2 से 3 बार इसे पलटना है। उसके बाद हम इस पे घी लगाएंगे। दूसरी साइड से भी हमें इस पे घी लगा लेना है। तो ये देखिए, हमारा पराठा बहुत अच्छे से सिक रहा है और इसकी खुशबू जो है मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छी आ रही है। इसे आप एक बार बना के जरूर देखना, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए, ये हमारा पराठा बन के तैयार है। इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी बना लेंगे। तो ये देखिए, एक बड़ी कटोरी गेहूं का आटा, बेसन और जो हमारी आलू की सब्जी थी उससे हमारे 7 पराठे बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो घर में आसानी से मिल जाता है।
और अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अचार को स्प्रेड कर दिया है। अब इसको फोल्ड करके इसकी रोटी तैयार कर लेंगे और इसे फिर से सूखे आटे में लगा के इसकी रोटी बनाए लेंगे। अब हम इसे सेकेंगे तो फिर से हम तवे को घी लगा लेंगे और इसके ऊपर हम पराठा डालेंगे। घी की जगह आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो स्वाद घी से आता है वो ऑयल से नहीं आता है। घी से ये बहुत टेस्टी लगता है। देखिए, हमारे ये बची हुई सब्जी के पराठे बनके तैयार हैं। आप इसे दही या फिर हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, और अगर कुछ नहीं तो चाय के साथ ये पराठे बेस्ट है। आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। ऐसे ही लजीज रेसिपीज जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।